नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वीडियोस टाइम पे नहीं आ पा रही हैं, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है काम। आज स्पेशली कल भी मैंने प्रॉपर नहीं किया था बिकॉज ट्रैवल चल रहा था बहुत हैवी। आप सभी जो जो ब्लॉग चैनल पे वो देख भी पा रहे होंगे, कल से प्रॉपर काम चलेगा ये मैं आपसे कह सकता हूं। आज अभी और थोड़ा सा दिक्कत रहेगी क्योंकि शरीर जो है वो जवाब दे रहा है। ठीक है, एक स्टॉक है जिसपे मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाई, सैटरडे को भी आई थिंक वीडियो बनाई थी एंड संडे को भी बनाई एंड अगेन अभी बना रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी स्टॉक को पर्टिकुलरली कवर करते हैं तो पूरा कवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत पड़ जाए तो छोड़ देते हैं। स्टॉक में एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ OFS का, ऑफर फॉर सेल। तो शुरू से शुरू करता हूँ, स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में आज फिर से एक बार लगभग 4% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। पहले मैं स्टॉक निकाल लेता हूँ स्क्रीन पे, 495 पे स्टॉक बंद हो गया है। इनफैक्ट आज 490 पे गैप डाउन ओपन हुआ था, 498 तक का ही हाई दिखा पाया। ये दिन के दौरान हम पूरी तरीके से गलत पड़ गए, इस स्टॉक ने पूरी तरीके से निराश किया है। हम गलत नहीं पड़े हैं, इस स्टॉक ने निराश किया है। मैंने आप सभी के साथ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे को बाजार बंद था, 15th अगस्त था। थर्सडे को एक खबर आती है कि वेदांता जो इनका प्रमोटर है वो इसमें 3.17% स्टेक ऑफलोड करेगा, पैसा जुटाने जा रहा है OFS के जरिए। उस समय हिंदुस्तान जिंक का शेयर का भाव था 571 रुपये का और जो OFS है वो 486 पे आ रहा है। फ्राइडे यानी 16th अगस्त को नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा और 19th अगस्त यानी आज आपके लिए रिटेल कैटेगरी के लिए OFS ओपन होगा। मैंने थर्सडे को ही वीडियो बनाई और मैंने कहा कि फ्राइडे को हमें एट द एंड अगर डे लो के आसपास मिलता है तो शेयर उठाना चाहिए, अगले दिन जब रिटेल कैटेगरी के लिए OFS ओपन होगा तो शेयर कहीं ना कहीं 2-5% गैप अप आ सकता है और इस बीच में हम प्रॉफिट बना सकते हैं और निकल जाएंगे। ये व्यू बना था आपके साथ। हुआ क्या, स्टॉक डेलो पे बंद हुआ, वहां तक एकदम ठीक कर रहा था स्टॉक जो हमारी उम्मीद थी, और स्टॉक जो कर रहा था वो एग्जैक्टली वैसा ही कर रहा था जैसे बाकी के समय OFS जब आता है तब होता है। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। हमेशा रिटेल कैटेगरी के वाले दिन OFS ज्यादातर, हमेशा तो कुछ भी नहीं होता, देखो बाजार है यहाँ पे हमेशा कुछ नहीं होता, 100% कुछ नहीं है यहाँ पे, जब तक स्वयं भगवान जी ही ना बता दें कि भैया ये होने वाला है तब तक मत मानो कि ये होगा, सिंपल है और भगवान जी नहीं बताने वाले। तो बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये अनिश्चितताओं का खेल है, अपन तो साफ बोलते हैं। तो आज गैप डाउन ओपन हो गया, गैप अप ओपन नहीं हुआ और ये पूरी तरीके से नेगेटिव पॉइंट हो गया। यानी डे लो कल नहीं बना, मतलब फ्राइडे को नहीं बना, डे लो आज बना है, आज रिकवरी मोड में था स्टॉक। अब सवाल ये उठता है कि भैया अब क्या करें, 519-515 के अराउंड की लोगों की बाइंग पहुंच गई है, कहीं ना कहीं 495 पे आ गया, 20 रुपए नीचे है, स्टॉप लॉस कहां पे रखें या कितना गिर सकता है। मेरे को लगता है देखो टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिए हैं, 470 के समथिंग के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, बहुत नीचे हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं टेक्निकल्स को छोड़ूं और थोड़ा सा हकीकत में आऊं तो ये कि OFS के बाद आप OFS में पैसा लगाओ और नीचे चला जाए, ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। यानी कि नॉन रिटेल कैटेगरी ने भी 486 पे ख़रीदा है, रिटेल कैटेगरी ने भी OFS में 486 पे लगाया है और पब्लिक ने उसके पास पहुंचने का ओपन मार्केट से भी है, वो सब ट्रैप हो गए एक तरीके से, समझ रहे हो। और फिर वो पैनिक क्रिएट करता है, वो स्टॉक ऊपर नहीं आता है तो क्या बेच के निकल जाए। अब सुनिए स्ट्रेटजी, सिंपल सा व्यू है आप लोगों को ऑलरेडी करीब करीब, देखो जिसने OFS में पैसा लगाया वो अभी भी 9 रुपये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब OFS कब मिलेगा वो देखने वाली बात है, अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा, आ गया तो आप अभी भी खुश हो मुझे लगता है, और नहीं आया तो आप टेंशन में आओगे। और स्टॉक अगर 486 के नीचे निकला तो आप कहोगे OFS ना मिले तो ज़्यादा बेटर है ना, कि नीचे और चला गया नुकसान होगा, इससे ना ही मिले देखने वाली बात है क्या होता है। बट मुझे लगता है थोड़ा सा आप और वेट करिए, 370-372 के करीब का स्टॉप लॉस। मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं 2-3 ट्रेडिंग सेशन कम से कम इंतजार करूँ, बट जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक टूट रहा है और OFS के प्राइस के पास पहुँचता हुआ दिख रहा है, पूरा 488 का लो है आज का, 486 का OFS है, ये नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। मतलब ऐसे होता नहीं है OFS के जरिए, ज़्यादातर रिटेल कैटेगरी वाले दिन स्टॉक ऊपर चला जाता है, ये ज़्यादातर होता है।
तो अभी मैं कहूंगा आप कल का ट्रेडिंग सेशन और वेट कर लीजिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं लॉस ही लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है ऐसे स्टॉक में। लॉन्ग टर्म व्यू है किसी का, लॉन्ग टर्म विजन है, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी समय दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट समय देने से पहले आप जरा एक 470 का तो मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉस है, वो भी ब्रेक करेगा ना तो फिर कोई आसपास नियर बाय दिख नहीं रही हैं चीज़ें, ज़्यादा ख़राब होती हुई दिख रही हैं। तो बस इतना ही कहूँगा, 470 तो लॉन्ग टर्म भी जो हैं जिन्होंने अभी OFS में ही खरीदा है, पहले से खरीदा है वो एक अलग केस है, OFS के चलते लिया तो 470 का ही स्टॉप लॉस लगाएं। और जो मीडियम टू शॉर्ट टर्म वाले हैं वो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलें। आज मेटल भी उछला है तब भी हिंदुस्तान जिंक नहीं उछला, तो मेरे को लगता है आई थिंक कल ये 2-3% ऊपर आना चाहिए, और कल भी नीचे गया ना तो मतलब फिर तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस है, एग्जिट कर देना ही बेटर है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो थी, अपडेट थी हिंदुस्तान जिंक पे, चाहे सही हो गलत हो वो एक अलग केस है यार। आप जिस चीज़ को लेकर बात कर रहे हो उसको पूरी तरीके से अगर हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं लोगों के साथ तो सब बेकार है। स्टॉक मार्केट है, सामने वाला भी समझता है कि गलत पढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर सामने वाला सोच रहा है ये तो जो बोल रहा था बंदा वो हुआ ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो फ्रॉडिया है, ये तो मार्केट में ही नहीं होना चाहिए बंदा, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा मार्केट को और समझना चाहिए। क्योंकि मैंने वीडियोस में भी क्लियरली बोला था कि मार्केट में गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम सोच समझ के काम करेंगे। वन मोर थिंग, अगर आप मेटल इंडेक्स देखो तो 2% आज ऊपर है, टॉप गेनर है, उसके बावजूद हिंदुस्तान जिंक का ये सीन हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जिंक के लिए, सब खत्म हो गया है, अब भी क्या गिरेगा, और अगर गिरेगा तो फिर हमें ये समझना है कि जितना भी OFS में बिका है, जितना भी जितने लोगों ने भी खरीदा है वो सब ट्रैप है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।